हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्केटाइप। फ्रेंड्स, आज हम लोग आरआरबी अजमेर के ग्रुप डी की एग्ज़ाम जो हुई थी उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ आपको कि पहली स्टेज की एग्ज़ाम अभी, हालांकि अब इसकी एग्ज़ाम अभी चल रही है, 16 अक्टूबर तक चलेगी इसकी एग्ज़ाम, और उसे कुछ पेपर होना बाकी है जो कि री एग्ज़ाम के पेपर हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो पहली पहली स्टेज की जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में आप लोगों को जो मिनिमम इतने परसेंट जो है मिनिमम मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे तभी आप लोग जो सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। मीन्स ये है कि 100 नंबर का पेपर अपना ग्रुप डी का हुआ है तो रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम 40 नंबर मार्क्स लाना कंपलसरी रहेगा, ओबीसी के लिए 30 नंबर, एससी के लिए 30 नंबर और एसटी के लिए 25 नंबर मिनिमम, इतना तो आना ही चाहिए तभी आप लोग जो नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। सेकंड स्टेज के लिए जो क्वालिफिकेशन जो रखी है उन्होंने क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट वो है इतनी, अनरिजर्व 40, ओबीसी 30, एससी 30 और एसटी 25%। तो फ्रेंड्स, इतना मिनिमम मार्क्स आपको सिक्योर करने ही पड़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हम लोग क्या आखिरकार इसका आरआरबी अजमेर का ग्रुप डी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग आरआरबी अजमेर के ग्रुप डी की बात करें और अनरिजर्व मेल की बात करें, अनरिजर्व में बात करें मेल और फीमेल की, हालांकि सेम रहेगा कट ऑफ, ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो है सीटें हैं 2493, ठीक है, सीटें 2493 उनने, और सेकंड स्टेज के लिए जो क्वालिफाई करने वाले हैं उसके 2 गुना किए जाएंगे, 2500 के आसपास जो है कैंडिडेट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा वो 68+ रहेगा, अगर आपके 68+ नंबर आ रहे तो आप लोग जो है नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर हम लोग ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहेगा वो 65+ रहेगा और ओबीसी की जो सीटें हैं वो 1198, मतलब 2400 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो जो नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। अगर हम लोग एससी की बात करें तो एससी का जो कट ऑफ रहेगा वो 60+ रहेगा और एससी की सीटें देख लीजिए 704 सीटें हैं एससी कैटेगरी के लिए, तो इससे जो डबल कैंडिडेट है वो नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। एसटी कैटेगरी की बात करें हम लोग, एसटी की जो सीटें हैं 360 हैं और इससे जो डबल कैंडिडेट है वो सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे।